माजलगाव शहरामध्ये आज शेर ए हिंद ह टिपू सुलतान यांची जयंतीनिमित्त तमाम मुस्लिम बांधव या ठिकाणी या जयंतीमध्ये सामील झालेले आहेत। ही जयंतीची सुरुवात झेंडा चौक या ठिकाणाहून या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या चौकामध्ये या ठिकाणी आलेली आहे। पर कार्य म्हणजे नमाज चालू असल्या कारणाने या ठिकाणी थोडा वेळ स्टॉप घेतलेला आहे त्यांनी। तर आपल्यासोबत ज्यांनी जयंती कमिटीचे जे अध्यक्ष आहेत तसेच त्यांच्यासोबत त्यांचे मित्र देखील आहेत, तर या जयंतीविषयी आपण त्यांच्याकडून ऐकून घेऊया की संबंधित ही जयंती 2-4 दिवस झालं जयंत्या सर्वत्र चालू आहेत, परंतु ही जयंती कशामुळे लेट करण्यात आलेली आहे ते आपण भयाकून ऐकून घेऊया। आज 30/11/2023 माजलगाव शहर के अंदर टिपू सुल्तान जयंती का स्थापना की गई है। 20 तारीख को माजलगाव शहर में इज्तिमा होने की वजह से इस जयंती को आगे बढ़ाया गया था। आज सभी मुसलमान बांधव और सार्वजनिक जयंती माजलगाव शहर से काफ़ी खुशहाल तरीके से साजर की जा रही है और इसको पूरी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ माजलगाव शहर के सभी वासियों का, हिंदू मुस्लिम दलित भाई सभी का, इसमें हम हमारा साथ देने के लिए। ये जयंती निकाली है तुमने, तो ये जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे हम कि हज़रत टिपू सुल्तान जो एक महान पुरुष, जो भारत के सबसे पहले मिसाइल मैन शेर ए हिंद और भारत के लिए सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत के शेर, आज इनको कई अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए हमको हमारी आने वाली नस्लों को बताने के लिए इसको साजर किया जा रहा है। जयंती को 227वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। इसी तरह से मैं माजलगाँव शहर के सभी वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी धर्म के सभी नेताओं पक्षों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सबने साथ देने की वजह से हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओके ठीक है। आपल्यासोबत आणखीन एक मुस्लिम बांधव आहे की ते देखील बरं त्यांनी ह्या जयंतीनिमित्त आजचे काही प्रोग्राम ठेवले होते का, सामाजिक कार्यक्रम? माजलगाव शहर आहे टिपू सुलतान जयंती निमित्त आम्ही सेल्फ डिफेन्स कराटे फायटर एक रोड शो केला आम्ही आणि नशामुक्त अभियान चाललेलं आहे, कारण की या तरुण पिढीमध्ये लई वसीकरणाचे नाद चालू आहे म्हणून आम्ही एक अभियान चालू केलं आहे टिपू सुलतान निमित्त। आणखीन एक आपले मुस्लिम बांधव आहेत भाई, आपलं नाव काय? आसिफ शेख। बरं, या जयंतीनिमित्त समजा आपलं या लोकांना किंवा ह्या जनतेला काय संदेश देताना? संदेश आम्ही हे दिलं या प्रोग्रामने की जे आजचे जे यंग तरुण जे पिढी आहे जो की हिंदी बोलू, आज की जो नौजवान बच्चे जो ये नशे में जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम क्या करना चाहिए, और ये लोगों को जो नौजवान है इन्होंने जो है तो नशे से छोड़ के जो है तो ये एक बॉडी बिल्डिंग में कराटे में जो तो फिटनेस के अंदर आना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें जो है तो प्रोग्राम लेके रखा था। इसमें जो है तो नशा मुक्त अभियान हमने इस प्रोग्राम में चलाया है। सेल्फ डिफेंस, आज सेल्फ डिफेंस किस लिए ज़रूरी है? आज जहाँ कहीं देख के जा रहा है कि बलात्कार हो रहा है एक लड़की पे, जो है तो दो आदमी जो है तो हैवान जो है तो बलात्कार कर रहे हैं, जहाँ जो है तो बलात्कार होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आज हमारे इंडिया के जो लड़कियां हैं सभी समाज के उनको ये ज़रूरी है आज के इसमें जो तो सेल्फ डिफेंस इतना ज़रूरी है कि आज जो लड़की अगर एक बार अगर बाहर घर के चले गई तो उसके माँ बाप को जो तो दिल में दिल नहीं रहता और जो तो उसकी जो फिक्र इतनी बढ़ जाती कि वापस घर पे आए तक उसको जो चैन नहीं रहता, तो आज इसलिए हमने जो तो ये प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस जो तो लिया है, इसमें जो तो नांचा फायर भी लिया है, लाठी स्पीड ड्रामा वो भी लिया है, और जो तो माजिद हाफिज साहब मिस्टर इंडिया है उनके भी से जो तो बॉडी बिल्डिंग का जो तो शो लेने वाले हैं, और इसके ये जो हमने जयंती में जो प्रोग्राम रखे हैं तो इसकी वजह ये है कि है जो तो हमारे जो शहर का जो तो एक जो तो अलग छवि हो, इसमें जो तो हमारे शहर में जो तो सुधार आए, इसलिए हमने जो तो ये प्रोग्राम लिया गया है। जयंती निमित्त त्यांचे काय भावना आहेत? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जयंती हो गई ऐतिहासिक जयंती हो गई, और ये जयंती मतलब पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिसाद हमको मिला यहाँ पर, और ये जयंती के ऐतिहासिक है क्योंकि सब मिलकर मतलब पूरी सार्वजनिक जयंती हो गई। और एक बात कहूँगा कि अगर टीपू सुल्तान ना होते तो अंग्रेज देश छोड़ के नहीं जाते, और अपने इंडिया अपने टीपू सुल्तान एक स्वतंत्र सैनिक है,
और हम ये बताना चाहते हैं आने वाले नस्लों की ऊपर ये जो सरकार आ रही है जो टीपू सुल्तान का मतलब इतिहास मिटाना चाह रही है, तो इनको ये बताना चाहता हूँ मैं इतिहास शेर मतलब इतिहास शेरों का लिखा जाता चोरों का नहीं, महाराज जो है तो इतिहास लिखते हैं, बुजदिल मिटाते इतिहास मिटाते हैं, यही कहूँगा। चाइनीज ले रहे हो मुस्लिम बांधव मित्र है त्यांच्याशी आपण विचारूया की नेमकं जयंतीचं नेमकं कारण काय आणि कशा पद्धतीने आज त्यांनी दिवसभर साजरे केली आणि त्यांनी कशा पद्धतीने त्यांची आज कसरत झालेली आहे भैया आपण काय सांगाल, नाम बताओ आपला। मेरा नाम शेख हजर है, हजरत टीपू सुल्तान रहे, आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में आपके कोटी कोटी शुभेच्छा सबको। और ये जो है हस्ती, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। इन्होंने अंग्रेज़ों को मार मार के भगाया और अंग्रेज़ जब इनकी इंतकाल हो चुका था तो अंग्रेज़ फिर भी डर रहे थे उनके नगीज जाने को। ये इतनी बड़ी हस्ती है, 3 दिन हो चुके थे उसके बावजूद अंग्रेज़ सिपाही जो थे उनसे डरते थे, और वहाँ जाने के बाद अंग्रेज़ ने पहले हला के देखे उनको और अंग्रेज़ फिर भी डर रहे थे ये ज़िंदा है क्या नहीं बोल के। परिंदा गया फिर चोंच से देखा उसको, तो फिर उनको समझ में आया कि हज़रत टीपू सुल्तान इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके ये इतनी बड़ी हस्ती है, हम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे, और यहाँ पे नहीं पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे हिंदुस्तान में इनकी जयंती मना रहे।